राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ होली स्पेशल मठरी। मठरी तो आप किसी टाइम बना सकते हैं। होली के आसपास के जो टाइम में जो हरी जो मेथी मिलती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। इसको आप चाय के साथ सुबह भी खा सकते हैं, जब भी टी टाइम हो और थोड़ा सा भूख लगे तब भी खा सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। बेकरी स्टाइल बनाएंगे, अपने जैसे हम ढाबा पे बनाया करते थे वैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम मेथी के पत्ते तोड़ देते हैं, देखिए इस तरह से। मतलब इसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। जो हम कस्तूरी मेथी डालते हैं ना उसका स्वाद तो आता ही आता है। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है, नहीं मिलता है हरी मेथी, वैसे इस समय तो हरी मेथी हर जगह मिलती है, अगर नहीं मिलता है तो आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी स्वाद बढ़िया आता है। तो पत्ते तोड़ देते हैं जितना हमें चाहिए। तो हमें 1 किलो मैदा का मठरी बनाना है, तो इतना पत्ते बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं बनाने। चूल्हा जला दिए हैं और कढ़ाई रख देते हैं। तो मेथी का पत्ता जो खेत से लाए थे उसको धो लेते हैं। तो पत्ते को हम धो लिए हैं और एक कटोरी में निकाल कर रख देंगे। और इधर हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसी में हम पत्ते को डालेंगे। कसूरी मेथी हम सुखा के बनाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसको हम चला चला के पत्ते को हम बढ़िया से सुखा लेंगे और एकदम करंची कर देंगे। अभी तो तेज आँच है, जब ये थोड़ा पानी सूख जाएगा तो हम धीरे आँच पे इसको करंची करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट जल जाएगा। तो देखिए मेथी को हम भूने हैं, अब सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम मठरी गूनेंगे तो उसमें पानी नहीं छोड़ेगा, पानी इसका सारा जल गया। तो 1 किलो हम मैदा दिए हैं और यहीं पर 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक, 2 टेबल स्पून के करीब अजवाइन। तो नमक को डाल देते हैं इसमें और अजवाइन को भी। तो अजवाइन को थोड़ा क्रश करने से इसमें खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि इस तरह से डालते हैं ना हाथों पे मसल के। आप इसमें काली मिर्च भी 1 टेबल स्पून दरदरा कूट के डाल सकते हैं। बहुत लोग कलौंजी डालते हैं, कलौंजी भी डाल सकते हैं। इस तरह से रगड़ने से पूरा खुशबू फैल गया अजवाइन का। तो यहीं पे हम नमक भी डाल देते हैं। नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमें हल्का सा नमकीन चाहिए। मेथी के पत्ते को इसी में हम डाल देते हैं। अब बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। ये लगभग 150 ग्राम के करीब तेल है ये 1 किलो में। तो इससे क्या होगा कि ये नॉर्मल जो हम मठरी बनाते हैं बराबर घर पे या हमारे ढाबा पे बहुत बार आप देखे होंगे, तो ये उसके लिए इतना मोयन काफी है। लेकिन अगर आप बेकरी स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें 100 ग्राम और रिफाइन ऑयल डालना पड़ेगा। डालडा भी आप डाल सकते हैं मोयन के लिए। इसको बढ़िया से हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद ही आपको पता लगने लगेगा कि मोयन हमें और चाहिए कि नहीं। इसको दोनों हाथों से हम एकदम ऐसे मिलाएंगे बढ़िया से, ताकि पूरा मैदा में बढ़िया से मोयन फैल जाए। जो आप बेकरी से मठरी खरीद के जाते हैं तो देखते होंगे बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, अल्मोनियम डालते हैं, खाने वाला चीज़ है अल्मोनियम। उससे क्या फ़ायदा होता है हलवाई लोगों को कि उसमें तेल कम लगता है। मतलब अल्मोनियम इसमें हम अगर 50 ग्राम डाल देंगे ना तो तेल बिल्कुल कम लगेगा छानने में। तो मोयन तो ऐसे उतना ही 150 ग्राम से ही लगभग देखिए मोयन हो चुका है। तो इसमें और थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं आप। मैंने 1 किलो में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप डालेंगे तो 200 ग्राम मोयन डाल सकते हैं, और कम का तो कोई बात ही नहीं है। कम में 100 ग्राम डाल सकते हैं, 125 ग्राम डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम से ज़्यादा आप मोयन ना डालें 1 किलो मैदा में। तो हम हल्का हल्का इसमें पानी डालेंगे। मोयन तो हमारा हो गया है और इसे हमें डो तैयार करना था। डो का मतलब गूंदना नहीं है, इसे इकट्ठा करना होता है। थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालें इस तरह से, ऐसे थोड़ा पानी डालें और ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही रखना है इसको। 10-15 मिनट टाइम हो तो 15 मिनट, नहीं तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो तो आप आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट पे रख दें। तो देखिए गूंदे नहीं है इसको, इस तरह से हम दबा दबा के और इसको एक जगह ऐसे दबा के रख देंगे, ये देख रहे हैं ये। और 10-15 मिनट तो कम से कम रेस्ट पर रखें, आधा घंटा रखेंगे तो और बढ़िया बात है। तो इसको 15 मिनट के बाद हम बनाना शुरू करेंगे। लगा दिए हैं और इस पर कढ़ाई रख देते हैं मठरी बनाने के लिए, क्योंकि मठरी को सेट हो गया है। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से हम रखे थे मठरी सेट होने के लिए, मठरी सेट हो गया है। तब इसमें डाल देते हैं रिफाइन ऑयल और जब तक हमारा ये तेल गर्म होगा तो इस तरह से हम पतला पतला रोल बना लेंगे, इस तरह से रोल बना लेंगे दबा दबा के मठरी। ये आधा घंटा रखें तो बढ़िया से सेट हो गया है, नहीं तो अगर कम देर रखते आप तो सेट नहीं हुआ होता। अब इसको देखिए क्या करना है,
छोटा छोटा सा पेंदा काटना है इस तरह से, इस तरह से आप थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट कैसे हो जाएगा मैदा, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से मैदा को देखिएगा, ये बिल्कुल ही जो मैदा सूखा सूखा था वो एकदम तेल से पानी से भीग के एकदम सफेद सफेद हो गया है। तो ऐसा एकदम बिल्कुल सेट हो जाए तब मैदा मट्ठी के लिए काटें। ये देखिए हम तो एक चक्कर काट के डालेंगे इसमें, फिर दूसरा चक्कर बनाएंगे। तो पेंदा हम काट दिए हैं, अब इसको ऐसे करेंगे गोल इस तरह से, इस तरह से, और इसमें डाल देंगे। आँच एकदम धीरे रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दबाएंगे, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बेलन की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक बार फैला देना है आपको, थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। आप लोग यही सोचते होंगे ना कि यार तेल 150 रुपये किलो है तो मट्ठी 125 रुपये 100 रुपये किलो क्यों मिल जाता है? तो टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर लेबर बचता है तो हम उसको सस्ता बेच सकते हैं। अब इसको बनाने में ही 4 घंटा एक आदमी का लग जाएगा, तो फिर हम, अब अगर थोड़ा सा फट रहा है ना तो इसको ही पे दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार हाथ करना है बस, आँच थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाए, थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाए तो डालना शुरू कर दीजिए। और आँच एकदम मीडियम पे रखिए, लो टू मीडियम पे, ज़्यादा आँच नहीं करना है। अगर हम आँच तेज़ करके इसको डालते हैं तो ऊपर की तो मट्ठी की ऊपर मट्ठी का परत तो करारा हो जाएगा लेकिन अंदर बिल्कुल ही कच्चा रहेगा। तो धीरे धीरे आँच करेंगे तो अंदर तक पक जाएगा और बढ़िया से अंदर से बाहर तक सॉफ्ट भी होगा और करारा बाहर से तो हो ही जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें तेज आँच नहीं करें डालने के समय। डालने के बाद थोड़ा सा तेज आँच कर सकते हैं, जैसे कढ़ाई भर दिए आप तो थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, लेकिन डालते समय एकदम बिल्कुल ही तेज नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको तरीका हमारा बढ़िया लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आपका हमें बहुत समय बचा दिया। 1 किलो मट्ठी बनाने में कम से कम आपको लगता 2 घंटा, तो इसके 1 घंटा तो मैं बेलने वेलने का टाइम आपका बचा दिया। तो एक चक्कर हमारा हो गया और फिर पेंदा काट देते हैं और बना के रख देते हैं। थोड़ा तलने में टाइम लगेगा, 8-10 मिनट से कम नहीं लगेगा, क्योंकि आँच में धीरे रखना है। जब नीचे से थोड़ा करारा हो जाएगा तो अपने आप ही ऊपर आने लगेगा मट्ठी, इन्हें पकने लगेगा तो ऊपर आने लगेगा। तो ऊपर आएगा तब हम इसको पलट देंगे, जब नीचे से थोड़ा सा करारा हो जाएगा। तो पेंदा सब काट देते हैं और इसी तरह सारा मट्ठी को हम बेल लेंगे। तो ये चक्कर पूरा बन जाता है और हम कैसे बनाते हैं और कैसे मट्ठी बनेगा वो हम आपको दिखाएंगे तोड़ के, तब तक आप वीडियो जरूर देखिए। अब इसे हम नीचे वाला ऊपर कर देंगे क्योंकि 5-6 मिनट हो चुका है, तो हल्का हल्का नीचे का भी करारा हो रहा होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से कलर बदल रहा है इसका, इस तरह ऐसी इसे हो जाता है कि कोई अगर ज़्यादा करारा हो तो पता लग जाता है। और इसको अब ऐसे धीरे धीरे चलाता, अभी 5 मिनट के करीब हो चुका है और 4-5 मिनट और लगेगा। ये 10 मिनट के करीब हो गया है और देख सकते हैं कितना मट्ठी बढ़िया बना हुआ है, देखने से पता लग रहा है कितना बढ़िया बना हुआ है। तो इसको एक स्ट्रेनर में रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा तेज होगा वो निकल निकल के और नीचे के बर्तन में चला जाएगा। फिर दोबारा हम डाल देंगे, ये 2 चक्कर में नहीं आएगा, 3 चक्कर में बनाना पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आँच लो टू मीडियम रहे, खस्ता करारा बनेगा। मट्ठी तो हमारी बन के सारी तैयार हो गई, अब इसका करारा और खस्तापन दिखाने के लिए जब हम पूरा परिवार बैठेंगे और चाय बनाएंगे खाएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी होली स्पेशल मेथी वाली मठरी आपको कैसी लगी? अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ही ना भूलें और हमें और कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में बताते रहें लिख के। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें, हमारा आईडी है दादाजी का ढाबा। आप लोगों का पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। लेकिन रुक जाइए, इसका करारापन आपको दिखाई देते हैं। तो अभी तो मट्ठी बिल्कुल गर्म गर्म है, ये देख सकते हैं कितना है, ऐसे आपको दिखा रहे हैं। अभी तो ये गर्म है, जितना ही ठंडा होगा मतलब 2-4 घंटे के बाद से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे तोड़िएगा वैसे टूटेगा। देखिए कैसे,